फॉर 1000 सब्सक्राइबर, हम 1000 सब्सक्राइबर की फैमिली बन चुके हैं। आपका स्वागत है मेरे चैनल फूडी मुडी पे। सो आज यहाँ पर अहमदाबाद का पहला काफे ब्लॉग है, सो वो है ओरियो पकोड़ा। सो हम ओरियो पकोड़ा और वेरियस टाइप ऑफ पास्ता यहाँ पर और अलग अलग जो चीज़ है वो हम टेस्ट करेंगे और आपको रिव्यू देंगे। सो ये जो सिचुएटेड है वो है लॉ गार्डन के पास है और ये शॉप का नाम है धड़ूम। सो ये हम देखते हैं हमको इधर क्या मिलता है। जो हम टेस्ट करने वाले हैं वो है मराठी थेसन फ्राइज। आप देख सकते हो ऊपर जो चीज़ और हेलापेनो का सॉस दिया गया है और ये जो ग्रीन आप चटनी देख सकते हो वो है मराठी सॉस जो तैयार आता है। और हमने आपको प्रिपरेशन बताया जो अंदर था वो है हरीसा का था, तो उन्होंने मिक्स किया है। तो इट इज़ अ कॉम्बो ऑफ थ्री मीन्स चीज़ एंड हेलापेनो सॉस और ग्रीन चटनी एंड मराठी दैट एंड जो लास्ट बीच में हमको दिया गया लेयर के बीच वो है हरीसा। जब उनको हम टेस्ट करेंगे तो फ्रेंच फ्राइज का रियल सॉफ्टनेस होना चाहिए, थोड़ा सॉफ्ट है, क्रंची नहीं है और चीज़ और चटनी का जो परफेक्ट आना चाहिए परफेक्ट आया है। उसकी प्राइस की बात की जाए वो है ₹169, परफेक्ट है, पूरा सॉस और चटनी का सेम आना चाहिए, परफेक्ट टेस्ट है। दूसरा टेस्ट करेंगे वो है ओरियो पकोड़ा। आप देख सकते हो जो पपेट बैटर था उसके साथ ओरियो डाल के उन्होंने फ्राई किया, ऊपर से हमें चॉकलेट सॉस थोड़ा मतलब मेल्ट हो चुका है, पर तो भी हम इसको टेस्ट करेंगे ये कैसा होगा। भैया ओरियो का जो फ्राई करके दिया है इसके अंदर बहुत बैटर है, पूरा न्यू टेस्ट, एक यूनिक टेस्ट आपको मिल रहा है। अगर आप ओरियो लवर्स हो भाई तो इधर आइए, आपको एक न्यू चीज़ मिल रही है, एक पकोड़े डिज़र्ट टाइप ने धड़ूम ने सर्व किया है, ये न्यू कॉन्सेप्ट जो है भाई बहुत बेहतर है। ओरियो को पूरा डीप फ्राई करके मतलब पकोड़ा जैसा आपको सामने सर्व कर रहे हैं, इट्स वेल एंड गुड। तो गाइस जो हमको ये प्रोवाइड किया गया है वो है पिंक सॉस पास्ता। पिंक सॉस का पास्ता आपको मैंने प्रिपरेशन बताया कैसे है। सो जो पहले जो सॉस बनता है वो इनका रेडी ही आता है, उसके अंदर आप चीज़ ऐड करते हैं, बहुत सारा क्रीम और बटर भाई यूज़ किया है इसके अंदर। आप देख सकते हो अलग अलग वेजिटेबल्स एंड ऑलिव्स एंड ऑल चीज़ चिली फ्लेक्स सब यूज़ हुआ है, मतलब जैसे पास्ता में चाहिए आपको। सो भाई देखने में तो भाई लग रहा है अच्छा होगा, आप खाने में देखते हैं कैसा होगा। पास्ता में हमें जो इंक्लूड किया गया जो सॉस था वो भी चीज़ एंड ऑल क्रीम, जो आपको थोड़ा वैसा टेस्ट मिलेगा। पिंक सॉस थोड़ा मतलब चलता है जैसे आपको उनका रेडी था तो वैसे टेस्ट आया है इसके अंदर, जो चीज़ ऊपर से उन्हें ग्रेटेड भी दिया है ठीक है, चीज़ी टाइप थोड़ा फ्लेवर है। सो
इसकी जो कॉस्ट करती है 229 रुपीज़, जो 229 रुपीज़ में आपको मिल जाता है जैसे आपको मिलना चाहिए वैसे। अंदर जो पिंक सॉस पास्ता का जो मतलब फ्लेवर चाहिए था वो थोड़ा कम है, पर भाई सही है, क्वांटिटी थोड़ी सही है। 229 रुपीज़ अगर पे करते हो ऐसी चीज़ मिलती है, बहुत सारा अंदर इंक्लूड हुआ है, सब इसको पूरा खाएगा और आपको बताएगी। प्रोवाइड किया है वो है पाव भाजी चीज़ ग्रिल्ड सैंडविच, जो धड़ूम में आपको मिलता है 169 रुपीज़ में। सो इसका जो बात किया जाए भाई, ये तो पूरा मतलब आप देख सकते हो ब्लू चीज़ पूरा मेल्ट किया गया है इधर से आप देख सकते हो, और जिसके अंदर स्टफिंग जो दी गई है पहले मायोनीज और डिफरेंट टाइप बेल पेपर्स को मिक्स करके दिया गया, तो पाव भाजी के ऊपर से आपको मिलेगा और अंदर से दिया गया ब्लू चीज़, ये तीन चीज़ का आपको लेयर के अंदर मिलेगी। देखने में तो यम्मी लग रहा है, अब इसको टेस्ट करेगा। बेटर है ये वाला, अब सैंडविच पूरा पाव भाजी से टेस्ट आना चाहिए, वैसे सही है, ब्लू चीज़ का भी अंदर हर टेस्ट आ रहा है, परफेक्ट है ये वाला, मुझे बेस्ट लगा ये पाव भाजी चीज़ ग्रिल सैंडविच, जो यूनिक कॉन्सेप्ट है एक धड़ूम ने यहाँ शॉप अपने कॉन्सेप्ट से आए हैं मार्केट में, सो सही है। और अब हम लास्ट में अब जाने वाले हैं बबलगम शेक पर। लास्ट है वो है बबल गम शेक, आपको मैंने प्रिपरेशन बताया जो डिफरेंट डिफरेंट कैरेमल बनाना एंड स्ट्रॉबेरी के मिक्सअप से ये आपको बबल गम शेक आपको प्रोवाइड किया जाता है, देख सकते हो सिंपल है, डेकोरेशन नहीं है पर सही है। अब इसको हम टेस्ट करें बबल गम ये पूरा फ्लेवर मिलता है कि नहीं मिलता है। गुड, सो फार सो गुड, जो है बहुत सही है, अगर आप पूरा बबल गम लेवर हो वह टेस्ट कर सकते हो न्यू बबलगम शेक, सब जगह शेक मिलता है, इसका भी शेक बेहतर है बबलगम शेक जो मैंने पहली बार ट्राई किया है धड़ूम में। गाइज आज हमने यहाँ धड़ूम पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के 5 टाइप के हमने टेस्ट किया, जो हमने पहला टेस्ट किया था वो है हमारा मराठी टेसन फ्रेंच फ्राइज, जिसकी रेटिंग की बात किए जाए हम उसको रेटिंग करेंगे 5 में से वो है 4.5, और दूसरा हमने टेस्ट किया वो है पिंक सॉस पास्ता, तो उसको हम रेटिंग देंगे 4.5 देंगे, और जो हमारा सैंडविच था मेरा फेवरेट यहाँ का लगा जो 5 out of 5 देंगे उसको, तो भाई और ओरियो पकौड़ा को भी सबसे न्यू कॉन्सेप्ट मुझे लगा यहाँ पे धड़ूम में, जिसको भी हम रेटिंग करके 5 out of 5, और जो बबल चिकन शेक था जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सीरम्स डाल के जो बनाया गया था शेक को, तो उसको हम रेटिंग करेंगे 4। सो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, पहली बात तो बहुत सही है कि ये अहमदाबाद में भी सिचुएटेड है और सूरत में भी सिचुएटेड है, सो सूरत में भी आप ट्राई करते हो सूरत वालों, आप उधर भी जा सकते हो, ओरियो पकौड़ा वालों दुधाने अहमदाबाद वाले यहाँ कर सकते हो, आपका जो वो जो भी खाना है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपको मिलेगा, हर चीज़ मिल रहा है आपको, जो आप इधर काफ़ी टाइप है हम लोगन वाले पे सिचुएटेड है, सो ओवरऑल आप धड़ूम का और मैं बताऊँ कि बहुत सही है, अगर आप इनके मेन्यूज़ भी पढ़ोगे तो अलग अलग टाइप के शेक्स है, फ्राइज है एंड ऑल आपको सब मिल जाता है। सो गाइस अगर आपको धड़ूम फाइंड करना है अहमदाबाद में तो इनके 3 आउटलेट है, पहला है वस्त्रपुर में, दूसरा है लॉ गार्डन पे और तीसरा है निकॉन के पास है, और आपको जो सूरत में वाले हो आपको सूरत वाला जिसको टेस्ट करना आपको एक मिलेगी वेसू पर और आपको दूसरी मिलेगी अडाजन पर जो न्यू आउटलेट है, तो आप उधर जाके भी ट्राई कर सकते हो। सो गाइस और एक बात कहना चाहूँ, थैंक यू सो मच फॉर 1000 सब्सक्राइबर, हम 1000 सब्सक्राइबर की फैमिली बन चुके हैं। सो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हो और आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे चैनल को, तब तक के लिए बाय। अनवर से किसान।